लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस कर्मचारी से मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना में आरोपी संजय रामकरण झरबड़े निवासी बैतूल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लकड़गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई है, जिसमें आरोपी संजय रामकरण झरबड़े उम्र 45 साल निवासी बैतूल ने फिरियादी बीट मार्शल आदित्य ठाकुर से गाली गलौज कर मारपीट की। पूरा मामला ऐसा है, आरोपी संजय झरबड़े शराब की बोतल लेकर गाली गलौज करते हुए लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत घूमते नजर आया। फिरियादी बीट मार्शल आदित्य ठाकुर ने आरोप गाली गलौज करने से मना करने पर आरोपी ने पुलिस कर्मचारी को ही गाली गलौज कर मारपीट करना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। आरोपी का हंगामा यही नहीं थमा। पुलिस जब आरोपी को मेयो अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए लेके गई, उस दौरान आरोपी ने डॉक्टरों एवं पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट करने की बात सामने आई है। मैं यही खड़ा हूँ, तुम्हारी डीजी साहब आएगी, तुम अरे पे क्यों पैसे डाल रहे हो? नहीं बैठा, मैं शांति से बैठो अंदर, क्यों यहाँ बैठ जाओ? मैं तो अपराध कायम करने के लिए आया हूँ, तुम मेरे को बोलोगे की अंदर यहाँ घूमो? मैं तो अपराध डालने आया हूँ, है ना? हाँ, तुम तो अपराध कर रहे हो। बैठना नहीं पड़ेगा? नहीं कर रहा मैं, मेरे को जब लग, मैं कल भी आके डाल सकता हूँ, कोई मेरे लिए कोई रिलोकेशन थोड़ी है। वकील हूँ मैं, हाईकोर्ट का ही नहीं हूँ मैं वकील, कल भी आके मैं डाल सकता हूँ, मेरे को तुम थोड़ी प्रेशर करोगे तब डालू और कर क्या डालो उसका। मैंने क्या कर लिया था, मैं तो घूम रहा था, वहाँ सबको पकड़ो जाके बैठ के, एक बार तो पूछना चाहिए कि भैया भाई साहब आप कौन हो? तुम हमारे एमपी में घूमोगे ऐसे? तुमको चार झापड़ कोई मार देगा तो कैसे? ये एरिया कौन सा ये? अरे छोड़ो, तुम एमपी में घुसे और तुमने कोई किसी से बच्चे भी कर दी, तुमको चार झापड़ मार दे फिर क्या करोगे तुम? अपनी अपनी वो बताओगे कि मैं महाराष्ट्र पुलिस हाथ लगाने के बना गुंडा जी कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ घूमते हैं यही सबको 20-25 हज़ार दर्ज कराओ। पीआई साहब आ रहे हैं, आप थोड़ा बैठिए, बोले पीआई साहब आ रहे हैं, आप बैठिए। मैं तो मर्यादी हूँ, यहाँ बैठूंगा कहीं भी बैठे। आदमी की इज्जत नहीं है, मतलब तुम हमारे एमपी में घूमो, तुमको कोई मारेगा तो हम तो तुम्हारे ही सपोर्ट करेंगे, बाहर स्टेट का आदमी कैसे कर दिया? उसको छूट जाएगा तो मैं सबको सस्पेंड कराऊंगा, यहाँ से मैं नेशनल रिपोर्टिंग करूँगा, कैसे कर लिया उसने? तुम्हारा है ना से करो और अच्छा से ही करना, सही करते हो ना किसी का बहुत ज़्यादा सर, किसी को प्रेशर नहीं डालते रखा आपके, आदमी को पहले पूछो और फिर काम करो। मैं तो अब भी रीट लगाऊंगा तुम्हारे नागपुर में और तुम्हारा नाम भी डालूंगा। इसको गाड़ी पे लेके आया तुम, है ना? इसको पकड़ के लेके आना, तुम गाड़ी पे लेके आयो, सब मेरे पास सब है मुजरिम को तुम गाड़ी पे लाए। इस दौरान आरोपी ने पुलिस कर्मचारी को यह भी कहकर धमकाया कि हाई कोर्ट का लॉयर हूँ, तुझे मैं कोर्ट में घसीटूंगा, और इसके बाद उसके पास एक सनद भी मिला था। अब ये सनद असली है या नकली, या आरोपी नकली सनद लेकर ही घूम रहा है, यह अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। दिनांक 8 तारखेला गंगा जमुना परिसरात पोलीस कॉन्स्टेबल आदित्य ठाकूर हे गस्त घालीत असताना त्यांना एक इसम दारूची बॉटल हातात घेऊन फिरत असताना दिसला। त्यांनी त्याला टोकले असता, तू मला का टोकले, मी हायकोर्टचा वकील आहे असे म्हणून त्याच्याशी बाचाबाची केली आणि त्याला मारपीटसुद्धा केली। तिथल्या महिलांनी सुद्धा आमचे आदित्य ठाकरे यांना मदत केली आणि त्याला सांगितले की हा पोलीसवाला तू कशाला मारतो। त्याला पोलीस स्टेशनला आणल्यावरही
त्याने पोलिसांशी हुज्जतबाजी केली आणि इथेसुद्धा एक दोन कॉन्स्टेबलला त्यांनी हाताने मारपीट केली। नंतर आम्ही त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्याकरता त्याला मेयो हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं असता त्यांनी मेयो हॉस्पिटलच्या डॉक्टरलासुद्धा झापड मारली आणि लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली। त्यावरून त्याच्यावर कलम 353 व इतर भादवीच्या कलमान्वये गुन्हा नोंद आहेत। त्या कथित हायकोर्ट वकिलाचं नाव संजय रामकरण झरबडे राहणार बेहडी ढाणा तालुका जिल्हा बैतूल असे असल्याचे सांगितले व तो इंदोर हायकोर्टात प्रॅक्टिस करत असल्याचे सांगितले। त्याची अंगझडती घेतली असता त्याच्या अंगझडतीमध्ये एक सनदची झेरॉक्स प्रत आणि त्याच्या निवडणूक निर्णय निवडणूक ओळखपत्राची झेरॉक्स प्रत मिळून आली। त्यावेळेस तो नावसुद्धा सांगत नव्हता। या दोन दस्तऐवजावरूनच त्याचे नाव हे असल्याचे कळले। त्या इसमास तातडीने अटक करण्यात आली व त्याला सध्या MCR रवाना करण्यात आले असून तो सध्या जेलमध्ये आहे। नागपूरला तो गंगा जमुनामध्ये आला असल्याची एवढीच प्राथमिक माहिती मिळाली। सविस्तर तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख BCN News नागपूर।